कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें सीड को शोधित करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। कार्बेंडाजिम से करें आप 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से। फिर बीज की बुआई लाइनों में करें, 30 सेंटीमीटर पे या 25 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन की दूरी रहती है, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रहती है। लाइनों में बुआई करने से आप जैसा कि फील्ड में देख रहे हैं, वीडिंग करने में खरपतवार खुरपी से निकालने में बहुत आसानी रहती है और इससे पौधों को प्रचुर मात्रा में लाइट भी मिलती है, सूर्य का प्रकाश, वो जो पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बुआई के बाद तत्काल बाद हमने इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे किया था। हर्बिसाइड हम 750 ग्राम पर हेक्टेयर के दर से करते हैं। हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं जो हम, वो पेंडीमिथिलीन का करते हैं। पेंडीमिथिलीन के हर्बिसाइड स्प्रे से चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं वो हमारी फसल को 30 से 35 दिन बचाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी फसल 35 दिन की हो गई है। अब इसमें हमने खुरपी से वीडिंग करवाई है। चूँकि मसूर की फसल बहुत धीरे धीरे बढ़ती है इसलिए ये खरपतवार के साथ कम्पीट नहीं कर पाती है। हमें 40-50 दिन तक इसकी खरपतवारों से रक्षा की विशेष जिम्मेवारी होती है। अगर इस समय हम इसे खरपतवार से बचा सके तो फिर आगे हमारी फसल तेजी से बढ़ने लगती है। जब हम वीडिंग करते हैं तो निराई गुड़ाई होती है। निराई गुड़ाई से जो पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, इसलिए भी निराई गुड़ाई का महत्व है। मसूर ड्राई लैंड की क्रॉप है, इसमें पानी की अधिक आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास सिंचाई का साधन है तो हमें मसूर में प्री सोइंग इरिगेशन या पलेवा देना चाहिए। पलेवा देने से हमारे बीजों का उचित जमाव सुनिश्चित होगा, उससे हमारी पौधों की संख्या प्रति एकड़ वो सुनिश्चित होगी जो उचित होनी चाहिए। पहला पानी हमें मसूर में फ्लावरिंग के समय देना चाहिए, जब फूल आते हैं, जो करीब 60 से बुआई के 60 से 65 दिन के बाद आते हैं। जहां तक उकठा रोग को कंट्रोल करने की बात है, उकठा रोग जहां जहां आ रहा है उसको अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हम बुआई से पहले ही सीड को ट्रीट करके कंट्रोल कर सकते थे। उसके लिए हमें 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर के जी सीड और 1 ग्राम वीटावैक्स, इनको मिला के सीड को ट्रीट करके देना चाहिए।